राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसले देने का चांस खत्म हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2022 में रवाना होगा, लेकिन दो साल पहले ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी करने वाले संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भेज दिया है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें उत्तराधिकारी यानी नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। नए सेना अध्यक्ष की रेस में लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नराव ने लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और जनरल एसके सैनी सबसे आगे चल रहे हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना की पूरी कोशिश सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की है। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हो गया है और सीटें भी बढ़ गई हैं, मगर बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सवाल है कि राज्य में 2014 में सरकार गंवा चुकी कांग्रेस एनसीपी क्या इस बार सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना को चुनौती दे पाएंगी। फोन टैपिंग केस में सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है। सीबीआई ने बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर आलोक कुमार के सरकारी आवास पर छापा मारा है। इस वक्त आलोक कुमार कर्नाटक रिजर्व पुलिस के एडीजीपी पद पर तैनात है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से मिलने गुरुवार को अहमद पटेल, आनंद शर्मा, डीके सुरेश तिहाड़ जेल पहुंचे। तिहाड़ में ही बंद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम से मिलने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे थे। बता दें कि डीके शिवकुमार वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए अब 50 दिन से ज्यादा हो गया है। घाटी में कुछ पाबंदियों के बीच सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा का जायजा लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के एक और दोषी ने पैरोल की मांग की है। रॉबर्ट पायस ने मद्रास हाईकोर्ट से बेटे की शादी की तैयारी के लिए 30 दिनों की पैरोल मांगी है। इस पर हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले नलिनी श्रीहरन को पैरोल मिली थी। सेना के उच्च पदस्थ आर्मी कमांडर ने कहा है कि भारतीय सेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है और जल्द ही इसके लिए पर्याप्त तंत्र काम करना शुरू कर देगा। पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता की भारतीय जोड़ी ने विश्व खिताब पर कब्जा किया है। आडवाणी मेहता ने थाईलैंड को मात देकर IBSF वर्ल्ड स्नूकर टीम इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। इस खिताबी जीत के साथ आडवाणी के विश्व खिताबों की संख्या 23 हो गई है, जबकि मेहता ने उस वक्त अपना पहला विश्व खिताब जीता जब स्वास्थ्य मुद्दों के चलते उनके भविष्य पर संदेह पैदा हो गया था।